हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब जो हमारी वीडियो आ रही है बैक टू बैक, हमारी फर्स्ट बुक जो चली हुई है एलजेब्रा एंड टिक्नोमेट्री, उसकी वीडियोस आ रही है। मैंने ग्रुप की कुछ वीडियोस दी थी और अब आ रही है टिक्नोमेट्री की। तो ये टिक्नोमेट्री की थर्ड वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो थी बेसिक चैप्टर्स के बारे में, बताया था कि ये चैप्टर्स होते हैं भाई, टिक्नोमेट्री यूनिट है उसमें ये सारे चैप्टर, 6 चैप्टर्स होते थे हमारे, है ना। और उसके मतलब इससे जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको टिक्नोमेट्री के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो पहला चैप्टर था उसका बेसिक कंसेप्ट, और पहले और दूसरे का एक साथ बेसिक कंसेप्ट बताया था कि भाई इस तरीके से हो, क्योंकि पहले चैप्टर में तो एक्सरसाइज है नहीं, ठीक है। जो हमारा उसमें बेसिकली बस टिक्नोमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या भूमिका है वो बताई गई थी, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंड चैप्टर था हमारा, उसके मतलब बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था और बेसिक फॉर्मूले वगैरह बताए थे, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फॉर्मूले वगैरह बताए थे, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। जो उसके आगे के कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक दो एग्जांपल बता दूंगा, ठीक है। ये इस पार्ट सेकंड है हमारा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल में जब सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। आइए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं बोर्ड पर, बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज पार्ट टू, ये हमारा पार्ट टू है। इसमें मैं आपको आगे के और फॉर्मूले और बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूं, ठीक है। और हमारा चल कौन सा रहा है, सेकेंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ठीक है। क्या है चैप्टर का नाम लिख देता हूं एक बार और, फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यहां पर लिख दे रहा हूं। फंक्शंस ऑफ ए ठीक है, इसके बारे में बेसिक आपको नॉलेज मिली गई है। तो भाई देखिए, ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इसके कुछ बेसिकली फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बताए थे, और बेसिक कंसेप्ट था वो भी आपको बताया था, ठीक है। और लास्ट में क्या बताया था उसमें, कि साइन आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और कोस आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये हमारा लास्ट था। इसे मैंने प्रूफ करके आपको बताया था कैसे आते हैं बराबर। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद देखिए ऐसा है, अब मैं कुछ और आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस वगैरह हैं वो आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं वो आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ, और आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, पहला ये है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और एक बात और खास बात जो आपको याद रखनी है, वन मेन थिंग, कि जो हाइपरबोलिक है, कोस हाइपरबोलिक ये एक है, जैसे हम कोस स्क्वायर, जैसे आप सोचने लगो कि ये और ये कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बराबर है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के, ये बराबर नहीं होता। क्या बोला मैंने, ये बराबर नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखना। सही फॉर्म क्या है इसकी, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये होता है 1 के, ये आप याद रखना। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई ये किसकी तरह लग रहा है, देख सकते हैं आप, ये कुछ कुछ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की तरह ही लग रहा। तो हम उसी का यूज करके इसे प्रूफ करने वाले हैं, मैं इसका प्रूफ बताता हूं आपको। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। फिर वही वी पुट थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा एक्स, थीटा की जगह हम आयोटा एक्स रखने वाले हैं, ठीक है।
पुट करेंगे साइन आयोटा एक्स का होल स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस कोस आयोटा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखिए कोस आयोटा एक्स की वैल्यू लास्ट टाइम आपको बताई थी क्या होती है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स ये होती है और इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस आयोटा आयोटा एक्स की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक एक्स और स्क्वायर है वन। बस हो गया प्रूफ, देखिए इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर, और मैंने बताया था भी आपको साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ये सही होता है। ठीक है, वो सॉरी क्या कर दिया हमने, यहां पर हो गए कोस, ये कोस आएगा ना भाई, कोस हाइपरबोलिक, कोस आयोटा एक्स की कुछ हम कन्वर्ट करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस में तो कोस हाइपरबोलिक एक्स ये होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन। आई स्क्वायर की वैल्यू बताई थी आपको लास्ट टाइम माइनस वन होती है, माइनस वन इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन। बस हो गया प्रूफ, इसे आगे पीछे करके लिख दीजिए, ये प्लस का है इसे पहले लिख देंगे फिर इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो माइनस के साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन। Has proved. तो देखिए ये था हमारा फॉर्मूला कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, क्या बताया मैंने कि इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो भाई देखिए जितने भी आपको फॉर्मूले वगैरह बताए जा रहे हैं तो इन्हें आप देखिए कन्वर्जन देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूं, तो इसी तरीके से आपके लिए, ठीक है, अगर आप इसी तरीके से करते हैं तो आपको बेसिकली जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला देख लेते हैं हम, अगला फॉर्मूला क्या है, टैन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल्स टू 2 टैन हाइपरबोलिक x अपॉन 1 प्लस टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर x ये है। ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, अगला फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, बेसिकली आपको बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उन्हीं के यूज से आपको बता रहा हूं, ये पहला था इसे आप नोट कर लेना। दूसरा क्या है हमारे पास, tan हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल्स टू 2 tan हाइपरबोलिक x अपॉन 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, शायद यहां आयोटा है। ठीक है, यहां है हमारा हाइपरबोलिक, ठीक है, हाइपरबोलिक ही सही है। ये फॉर्मूला होता है tan हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल्स टू 2 tan हाइपरबोलिक x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x। ठीक है, ये मैं प्रूफ कर रहा है, तो देखिए फिर वही कंसेप्ट हमारा, पहुंच जाएंगे हम अपने पास्ट में ट्रिग्नोमेट्री वाले, वी नो दैट हम इनसे प्रूफ कर रहे हैं। वी नो दैट, जानते हैं क्या जानते हैं, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जानते हैं हम ये। फिर लेट वो सॉरी वी हैव या वी पुट थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा एक्स, पुट करेंगे हम थीटा की जगह पर, इसमें करते हैं हम 2 आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा की जगह आयोटा एक्स अपॉन 1 माइनस tan आयोटा एक्स का होल स्क्वायर, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि भाई हम इसे देखिए ये है हमारा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए लास्ट टाइम आपको बताया था, क्या बताया था कि tan hyperbolic, वो सॉरी tan iota x की वैल्यू क्या होती है, वो मैंने आपको बताई थी। tan iota x की वैल्यू होती है iota tan hyperbolic x, tan iota x की वैल्यू क्या बताई थी, tan iota x की वैल्यू बताई थी iota tan hyperbolic x, ये मैंने आपको बताई थी। तो यहां पर देखिए 2 है भाई, यहां पर 2 है हमारा, है ना, तो क्या हो जाएगी iota tan hyperbolic 2x हो जाएगी, बस क्लियरली भाई इसे आप इस तरीके से लिखो iota 2x। ठीक है, अब tan iota x था तो क्या हो रहा था iota tan hyperbolic x, ये हो रहा था ना, तो भाई आप इससे ही सोचिए। देखिए यहां tan iota 2x है तो iota तो आगे आना है tan, अब देखिए ये आ रहा है तो इसके साथ क्या जाएगा हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा, बस आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अब देखिए ये फिर 2 tan iota x की वैल्यू, tan iota x की वैल्यू i 2i tan हाइपरबोलिक x, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस tan iota x की वैल्यू i tan हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर। तो देखिए ये वाला ही कैंसिल आउट हो जाएगा, बट आप इसे काट के नहीं दिखा सकते क्योंकि थ्योरम से हमारे ग्रुप में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल्स टू 2 tan हाइपरबोलिक x और अपॉन, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा यहां i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारा प्रूव हो गया है। तो देखिए मैं इसको एक बार और रिपीटेशन कर दे रहा हूं कि किस तरीके से मैंने प्रूफ किया है। ठीक है, एक बार आपको रिपीट करके बता रहा हूं। देखिए हमें प्रूफ करना है tan हाइपरबोलिक 2x is equals to 2 tan हाइपरबोलिक x upon 1 plus tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, रुकिए एक मिनट। ठीक है, तो इसका एक बार रिपीटेशन करके मैं बता रहा हूं भाई, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है tan हाइपरबोलिक 2x बराबर 2 tan हाइपरबोलिक x अपॉन 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, तो बेसिकली हम मैंने क्या बताया कि हमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर है तो हम बेझिझक इस चैप्टर को या इस यूनिट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और अगर हमें वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि हमें बेसिकली भाई पहले ही फॉर्मूले याद नहीं है, जो पुराने फॉर्मूले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, तो हम नए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं अब ये किससे मैच हो रहा है भाई, ये वाला फॉर्मूला हमारा किससे हो रहा है, 2 tan थीटा से, tan 2 थीटा से, तो वी नो दैट tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये हम पढ़ते हुए हैं सदियों से, 10th क्लास में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा। ठीक है, काफी जगह यूज हुआ इसका। फिर थीटा की जगह हमें हर फॉर्मूले में आयोटा एक्स रख दो, बस हर फॉर्मूले में हमने आयोटा एक्स रखा थीटा की जगह, यहां हुआ हमारा देखिए, फिर हर जगह हमने आयोटा एक्स रखा थीटा की जगह। तो देखिए tan आयोटा एक्स का क्या होता है, tan आयोटा एक्स होता है आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स, लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो यहां पर क्या है 2x है, तो बस यहां क्या आ जाएगा आयोटा tan हाइपरबोलिक 2x, अब देखिए i tan iota x की जगह iota tan हाइपरबोलिक x, ये हमने किया, फिर iota से iota कैंसिल हो गया, पर उसे काट के नहीं दिखाएंगे हम, क्यों नहीं दिखाएंगे, थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारी ग्रुप थ्योरी में मैंने बताई थी कैंसिलेशन लॉ वाली। ठीक है, अब देखिए tan हाइपरबोलिक 2x is equals to 2 tan हाइपरबोलिक x upon 1 plus tan हाइपरबोलिक x स्क्वायर का x, ये हमने को प्रूफ कर दिया है। तो देखिए अब एक दो फॉर्मूला और देख लेते हैं इस तरीके से, या आप जो भी फॉर्मूला आप चाहते हो वो निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको बताए क्यों जा रहे हैं, इसका जो इनके हैं बेसिकली यूज थोड़ा एक्सरसाइज में इनका बहुत ज्यादा यूज है भाई, ये जो है मैं आने भी चाहिए और इनका यूज एक्सरसाइज में भी काफी है। ठीक है, तो इसलिए आपको बताए जा रहे हैं, इसके जरिए आयोटा एक्स रख के थीटा की जगह आप कोई सा भी फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हो।
ठीक है। देखिए फिर हमारा देखिए साइन, देखिए ये वाला देख लीजिए, थर्ड फॉर्मूला जो मेरे अकॉर्डिंग साइन हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन हाइपरबोलिक एक्स, क्या बोला 3 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 4 साइन हाइपर की क्यूब एक्स, साइन हाइपर क्यूब एक्स, ये है हमारे पास फॉर्मूला। चलो भाई इसे भी एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं क्या हुआ, इसको भी हम प्रूफ करते हैं। ये फॉर्मूला होता है, करना कुछ नहीं, प्रूफ तो इनका देखिए छोटा सा है, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है ये हम जानते हैं। वी पुट थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा एक्स, तो देखिए हम पुट करते हैं साइन 3 थीटा की जगह आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू 3 साइन आयोटा एक्स माइनस 4 साइन आयोटा एक्स की क्यूब, ये हमने किया ठीक है। मैंने बताया था लास्ट प्रूफ में भी, तो 3 वो साइन 3 आयोटा एक्स, ये हमें साइन आयोटा एक्स क्या होता है भाई, हम जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ साइन आयोटा एक्स क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन आयोटा एक्स क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये हम जानते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग 3 है तो बस यहां पर देखिए आई आ जाएगा और साइन हाइपरबोलिक 3x ये आ गया हमारा प्लस 3 आयोटा साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा ये हमारा, ठीक है ये हमारा 3i साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा, साइन आयोटा x को आयोटा साइन हाइपरबोलिक x माइनस 4 साइन आयोटा x की वैल्यू i साइन हाइपरबोलिक x की होल क्यूब, बस इसे आप सोल्व कर देना। देखिए इस तरीके से आयोटा साइन हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल्स टू 3i, या एक काम कीजिए आप i ले लीजिए कॉमन, देखिए i हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा माइनस के 4 i की क्यूब, ये है ना, और मल्टीप्लाई साइन हाइपर क्यूब x, ये हो जाएगा। फिर इस पूरे में से कॉमन क्या आ जाएगा, i साइन हाइपरबोलिक 3x, और इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, आई कॉमन आ जाएगा, आई कॉमन 3 साइन हाइपरबोलिक एक्स, और देखिए आई स्क्वायर बचेगा 4 आई स्क्वायर बचेगा साइन हाइपर की क्यूब एक्स, ठीक है तो प्लस आ जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 साइन हाइपर की क्यूब एक्स, ठीक है तो आई से फिर आई कैंसिल हो जाएगा, हैंस प्रूफ साइन हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 4 साइन हाइपर की क्यूब एक्स, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, ठीक है ठीक है। तो भाई ये हमारा फॉर्मूला थे कुछ, तो देखिए कुछ फॉर्मूले मैं आपको और बता दे रहा हूं ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले थे। इस तरीके से आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हो, बट अब मैं आपको प्रूफ करके नहीं बताऊंगा ठीक है, और जो भी अगर आप पे प्रूफ नहीं होते हैं किसी का भी तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं कमेंट करके, फेसबुक पेज से जुड़ जाइए ठीक है। अब देखिए कुछ डायरेक्टली फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिख दे रहा हूं। देखिए जैसे कोस हाइपरबोलिक 2x के, जैसे हमारे कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते थे, तो कोस हाइपरबोलिक 2x के भी हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं ठीक है। कौन कौन से मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, कोस हाइपरबोलिक 2x के हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से वो मैं आपको बता दे रहा हूं, 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ठीक है। फिर साइन में जाते हैं हम, साइन की देखिए भाई हम जानते थे साइन में उसका कौन सा होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन हाइपर स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा क्योंकि हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा उसके कारण यहाँ पर हो जाएगा प्लस ठीक है। फिर हमारा टेन की फॉर्म में होता था तो बस टेन की फॉर्म में हम लिख देंगे, वहां होता था 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा कोण 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ होगा 1 प्लस 10 हाइपर स्क्वायर एक्स
और अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन हाइपर स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर होता था कोस और साइन की फॉर्म में, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसको क्या वो क्या हो जाएगा हमारा जो हमने प्रूव भी किया था, कोस हाइपर स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपर सॉरी साइन हाइपर स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये कोस हाइपरबोलिक 2x के इक्वल होते हैं, मगर यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाले बेसिकली क्या होते थे कोस 2 थीटा के, उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और लास्ट था हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होते थे हमारे, ठीक है। तो हमारे चार इसके द्वारा हम इनको चारों को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये बेसिकली फॉर्मूले हैं जो ये वगैरह यूज होते हैं, इसके अलावा ज्यादा फॉर्मूले इसमें यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम ये फिनिश करते हैं, ठीक है। ये हमारे बेसिकली फॉर्मूले लगभग जो भी थे इस तरीके से, भाई आपको यूज करना पता चल गया होगा कि हाइपरबोलिक फंक्शन वगैरह आयोटा वगैरह हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है भाई, इस सब से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई है हमारा कौन सा कंसेप्ट था कुछ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, और कंसेप्ट होगा वो भी आ जाएगी। बट अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की, कुछ आपको क्वेश्चन बता दूंगा अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन की कौन कौन से एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड वीडियो, तो जरूर बताना कैसी लगी। और हाँ एक बात और, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, सब्सक्राइब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, और ग्रुप की वीडियो भी एक तरफ से आती रहेंगी, ठीक है। टेंशन ना लें बिल्कुल, जो हमारी ग्रुप थ्योरी चली हुई है फर्स्ट बुक में वो भी आती रहेंगी, ठीक है। तो वही बात, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।